हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको रुद्राभिषेक घर पर किस तरीके से कर सकते हैं वही विधि बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पूरी सामग्री सजा करके रख ली है। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर शुद्ध जल, जिसमें मैंने थोड़ा सा लाल चंदन डाल लिया है, क्योंकि भोले बाबा पे लाल चंदन ही चढ़ता है। इसके बाद ये मैंने पंचामृत बना के रखा है, थोड़ा सा पंचामृत मैंने इसमें रखा है। ये मैं भोग लगाऊंगी और इसे मैं अभिषेक करूंगी। एक दीपक लगाया है, आप चाहो उतने दीपक लगा सकते हैं। और ये भोग के लिए मैंने कुछ मिष्ठान रखा है, ये जनेऊ है, ये मैंने कलावा रखा है। वस्त्र के लिए दूध, घी, ये घी है, दही, और ये चंदन है, लाल चंदन, और ये इत्र है। इसके बाद काले तिल और चावल मैंने रखे हैं। ये अष्टगंध चंदन है और ये मैंने धूप बत्ती ली है। ये फूल और ये फल हैं, और इसमें मैंने बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा घास, और ये मैंने सफेद फूल लिए हैं। आपके पास जो भी हो वो चढ़ा दीजिएगा सफेद फूल, लेकिन केतकी के फूल मत चढ़ाइएगा। और ये भांग है, ये धतूरा है, ये चिरचिटा है। सबसे पहले एक बेलपत्री का आसन देना होता है प्रभु के लिए। उसके बाद हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे और पूरा अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे पूरे शिव परिवार का। श्री लंबोदर गजवदन, जय जय श्री गणेश, विघ्नहरण मंगल करण काटो सकल कलेश। जय गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, नंदीश्वर बाबा की जय, हो भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर दूध से अभिषेक करेंगे। अब दही से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। अब प्रभु पे घी चढ़ाएंगे। इसके बाद सैस से अभिषेक करेंगे। अब बूरा शक्कर इसे अभिषेक करेंगे। अब पंचामृत से अभिषेक करेंगे। इत्र से अभिषेक करेंगे। गंधोदक अभिषेक। अब फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद भगवान का अभिषेक हम पुष्प से करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भोलेनाथ को अच्छे से स्नान करा के और साफ वस्त्र से इन्हें पोंछ लेंगे। इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं, या फिर आप इसको अपने क्यारी में डालते हैं, लेकिन तुलसी में नहीं डालना है। अब अभिषेक करने के बाद बाबा का श्रृंगार करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और धूप जलाएंगे। अब सबसे पहले जनेऊ पहनाएंगे के रूप में कलावा, लाल चंदन लगा रहे हैं और ये अक्षत, काले तिल और फूलों से बाबा का श्रृंगार कर देंगे। सफेद पुष्प चढ़ाएंगे। भांग समर्पित करेंगे। बेलपत्र चढ़ाएंगे। धतूरा
ये चिरचिटा है, घास समर्पित करेंगे दूर्वा घास, और इसके बाद शमी पत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फल चढ़ाएंगे, अब भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय आप घंटी जरूर बजाइएगा, तभी भगवान भोग ग्रहण करते हैं। अब आरती करेंगे, ओम जय शिवे ओमकारा, प्रभु हरे शिवे ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धांगी धारा, ओम जय शिवे ओमकारा। लास्ट में कुछ दक्षिणा लेकर के उस पे थोड़े से चावल और फूल रख करके भगवान को समर्पित करेंगे, और जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरीके से हमारा रुद्राभिषेक आराम से घर पे आसानी से हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर इसमें से कोई भी चीज यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप उसको नहीं है तो रहने दीजिए, जो है आप उसी से अभिषेक पूजन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे।